गुड मॉर्निंग. मैं डॉक्टर राजीव कपूर. मैं कोलोरेक्टल सर्जन हूँ. फोर्टिज हॉस्पिटल मोहाली में काम करता हूँ. और आज मुझे बोला गया है कि मुझे कुछ फीकल इनकॉन्टिनेंस के बारे में कुछ बोलना है. फीकल इनकॉन्टिनेंस, जिसको एनल इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना स्टूल का कंट्रोल लूज कर जाता है और उसके कारण वो बाहर नहीं निकल सकता. घर से वॉशरूम के पास रहता है, कपड़े सॉइल होने की प्रॉब्लम रहती है. स्टूल के अलावा गैस में भी कंट्रोल की प्रॉब्लम आ सकती है. ये कंडीशन क्यों होती है, इसके कई कारण हैं, पर द कॉमनेस्ट कारण डिफिकल्ट लेबर, जहाँ की डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी के कट में इन्फेक्शन हो जाती है, फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ती है बेबी को अटैक करने में. इसके अलावा ये पोस्ट ऑप जैसे कि फिस्ला सर्जरी, हेमरॉइड सर्जरी, कोई और सर्जरी उस एरिया में के बाद भी हो जाता है. कभी कभार एक्सीडेंट होता है और इस एरिया में हड्डी टूटती है, जख्म बनते हैं, उससे भी ये कंट्रोल मैकेनिज्म खराब हो सकता है. इसका कारण ये है कि वहाँ एक छोटा सा मसल होता है जो कि इंटैक्ट होना चाहिए. अगर वो फट जाता है, उसमें गैप आ जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके कारण स्टूल लीक हो जाता है. इसका सलूशन ये है कि पहले डायग्नोसिस करना होता है, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और कुछ फिजियोलॉजी के टेस्ट जैसे मैनोमेट्री, पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस करानी होती हैं. पर इसका अल्टीमेट इलाज सर्जरी है, जिसमें कि हमको इस मसल को रिपेयर करना होता है. जिन पेशेंट्स में हम ये मसल रिपेयर कर सकते हैं, उनमें रिकवरी होने का अच्छा चांस रहता है. ऑब्वियसली भगवान की बनी चीज़ दैट मसल को एकदम वैसे बनाना कठिन होता है, पर वी कैन अचीव ऑलमोस्ट अप टू 90% सक्सेस. कुछ लोगों में सक्सेस 10 to 20% भी होता है, बट देन वो डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी प्रॉब्लम है और कितना कॉम्प्लेक्स जख्म है. इवन 20% रिपेयर सक्सेस के बाद भी पेशेंट का कंट्रोल बेटर हो जाता है, लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं. हम उसके बाद कभी मतलब उसके बाद पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताते हैं, पेशेंट कैन गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ्स, मैरी, हैव बेबीज, गो टू वर्क, सब कुछ कर सकते हैं. ये सर्जरीज कई बार फेजेस में करनी पड़ती है. कभी कभी डाइवर्जन स्टोमा या लैटिन का रास्ता अलग बनाना पड़ता है टेम्परेरी, जिससे कि वहाँ हीलिंग अच्छी हो जाए. कुछ लेडीज में ये वेजाइना के साथ कनेक्शन हो जाता है डिलीवरी के बाद, जिसमें कि फिर वेजाइना और एनल कैनाल का रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, एज वेल एज स्फिंक्टर को रिपेयर भी करना पड़ता है. सो ये सारी चीज़ें ढंग से की जाएं तो पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है. पेशेंट इम्प्रूव करते हैं एंड दे कैन गो बैक, जैसे मैंने बोला, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. इंडिविजुअल वेरिएशंस रहेंगी. सो मेरी यही एडवाइस है कि जब भी किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट करें, वील एग्जामिन एंड देन वील हम आगे का पूरा प्लान बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.